वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 5 इंडिगो का एमसीक्यू उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो। ये जो चैप्टर है इंडिगो, इस इंडिगो चैप्टर के ऑथर कौन है? तो ये इंडिगो चैप्टर के ऑथर है लुइस फिशर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये लुइस फिशर है, ये जो महात्मा गांधी का एक बुक है उसके लेखक है, और उस बुक का ही एक पार्ट है ये इंडिगो चैप्टर। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो चैप्टर के ऑथर कौन है? तो लुइस फिशर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज ऑथर बॉर्न। ऑथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इन फिडेल्फिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। ऑथर मतलब फिडेल्फिया, ये इंग्लैंड या ब्रिटिश का कोई एक प्रांत होगा या स्टेट होगा। तो ऑथर कब से कब तक ब्रिटिश आर्मी में सर्व किए थे? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1918 to 1920। तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम क्या था कि हर मैन को 2 साल का सर्विस देना पड़ता था आर्मी में, ब्रिटिश में। तो वो ऑथर कब कितने से कितने साल तक दिए थे सर्विस? तो 1918 से 1920 तक दिए थे सर्विस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वाज ऑथर ए मेंबर ऑफ। ऑथर जो है वो किस यूनिवर्सिटी के एक मेंबर हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी के मेंबर है ऑथर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। जो इंडिगो चैप्टर है ये किस बुक, ऑथर का किस बुक से ये एक्सर्प्ट लिया गया? तो आपको पहले ही बोले थे क्या था कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये एक बुक है जो लुइस फिशर ने लिखा था महात्मा गांधी के बारे में, और उसी से ये इंडिगो एक पार्ट लिया गया जो हम लोग का ये जो चैप्टर है इंडिगो चैप्टर, ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक बुक है, उसका एक पार्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये चैप्टर ये बुक से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेयर्ड इन द लेसन इंडिगो। ये जो इंडिगो चैप्टर है, इस इंडिगो चैप्टर में क्या मैसेज दिया गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विस वाइस एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इस इंडिगो चैप्टर से हम ये मैसेज दिया गया है कि जो साहस, ईमानदार और साहसपूर्ण जो लीडर होता है वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पूछा गया कि मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण में क्यों फाइट किए थे? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड। टू सिक्योर जस्टिस मतलब ऑप्रेस्ड मतलब जिसको दबाया जाता है। तो जो वहाँ की जो चंपारण के जो पीसेंट लोग थे उन लोगों को दबाया गया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो उन लोगों को जस्टिस के लिए, न्याय के लिए उन्होंने चंपारण में फाइट किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई। जो गांधी जी चंपारण में फाइट किए थे तो वो क्या सिग्निफाई किए थे, क्या शो किए थे? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, जो प्रभावशाली नेतृत्व है उसका ये साइन दिए थे, सिग्निफाई किए थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मोतिहारी बैक विथ पीसेंट। मोतिहारी वो क्यों वापस आ गए थे पीसेंट के साथ? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर चैम्पियन वाज इन ट्रबल। चैम्पियन मतलब कि हाँ, महात्मा गांधी से रिलेटेड है कि मोतिहारी पीसेंट लोग बैक क्यों हो गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम में प्रॉब्लम में थे, ट्रबल में थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शन ऑफ पीपुल ऑफ मोतिहारी। गांधी जी कैसे एड्रेस मतलब यहाँ कुछ बताना या फिर नेतृत्व करना या फिर उन लोगों के व्यास में कुछ करना, मतलब कि तो
यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शन ऑफ पीपल ऑफ मोतिहारी, मोतिहारी के जो पीपल्स थे, लोग थे, उनको उन्होंने कैसे एड्रेस किया था उन लोगों के एक्शन को महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एज लिबरेशन फ्रॉम द फ्री ऑफ द ब्रिटिश। तो उन्होंने ये एड्रेस किया था या फिर एक स्पीच दिया था कि ए लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश से कैसे वो मतलब ब्रिटिश से जो फियर है उससे कैसे आज़ादी मिले, लिबर्टी जो वर्ड होता है फ्रीडम आज़ादी उसी का ये लिबरेशन वर्ड है। तो ब्रिटिश का डर से उनको कैसे आज़ादी मिले ये उन्होंने मोतिहारी के पीपल लोगों को बताया था या एड्रेस किया था। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, गांधी जी का डिमांड क्या था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 50% रिफंड एज ए पेमेंट, गांधी जी का डिमांड था कि वो 50% रिफंड करे एज ए पेमेंट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिड गांधी जी आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर टू पे द फार्मर, तो गांधी जी इंडिगो प्लांटर से कितने पैसे देने के लिए वो कहे थे उन्होंने। तो 12 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर ऑफर टू पे, तो मतलब उन्होंने जो डिमांड किया था 50% एज ए रिफंड, बट उनको कितना ऑफर किया गया था, वो तो गांधी जी और पीजेंट डिमांड किए थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, बट एक्चुअली उनको कितना पेमेंट मतलब कितना उन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से वो कितने में एग्री किए थे देने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 25%। 50% उन्होंने डिमांड किया था बट उनको मिला था 25% एज ए रिफंड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द कंडीशन ऑफ शेयर क्रोपर, चंपारण में शेयर क्रोपर्स का कंडीशन क्या था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वे आर फोर्स टू गिव 50% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। तो शेयर क्रोपर जो वहाँ के प्रेजेंट लोग थे उन लोगों का प्रॉब्लम क्या कंडीशन था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि उन लोगों को ये कहा गया था कि आप अगर 100% ज़मीन में अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको 15% आपको लैंड में इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ेगा और वो एज अ रेंट एज अ टैक्स 15% लैंड में आपको इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ेगा और वो सारा इंडिगो ब्रिटिश को देना पड़ेगा एज अ टैक्स या आप जो भी बोले टैक्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये कंडीशन था वहाँ के शेयर क्रोपर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीसेंट ऑफ चंपारण, गांधी जी कैसे चंपारण के पीसेंट की हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, लड़ाई से और न्याय के विरुद्ध लड़ाई मतलब उन लोग के लिए लड़ाई किए और उन लोगों को जस्टिस के लिए सिक्योर किए मतलब उनका न्याय के लिए उन्होंने लड़ा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेस्ड बाय चंपारण इंडिगो शेयर ग्रुप, देखिए बार बार एक दो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा, इसमें भी वही चीज़ है, वहाँ कंडीशन के बारे में बताया गया था, यहाँ प्रॉब्लम के बारे में बताया गया कि क्या प्रॉब्लम चंपारण के जो इंडिगो शेयर ग्रुपर थे उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वी आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उनको बाध्य किया जा रहा था इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए, मतलब आपको बता चुके हैं कि कितना 15% लैंड में उनको इंडिगो ग्रो करना पड़ रहा था एज अ रेंट एज अ टैक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, वे आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो मुजफ्फरपुर, गांधी जी क्यों डिसाइड किए थे कि उनको क्या क्यों डिसाइड किए थे मुजफ्फरपुर जाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रोपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण की जो शेयर क्रोपर्स हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने
मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किया था, निर्णय किया था, निर्णय ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रेफ्ट गांधी जी एट मुजफ्फरपुर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉयर, मतलब उनको लेने के लिए कौन आया था मुजफ्फरपुर, हु ब्रेफ्ट गांधी जी एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर लेने के लिए उनको कौन आया था, तो उनको लॉयर सब आए थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉयर्स। वो आज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन है, तो एक पुअर पीसेंट है, पीसेंट मतलब वही स्मॉल फार्मर को पीसेंट कहा जाता था, तो एक पुअर पीसेंट थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड, जो कांग्रेस का जो एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हुआ था वो कहाँ हेल्ड हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एट वाराणसी, वाराणसी में हुआ था कांग्रेस का एनुअल सेशन, और उसी टाइम वहाँ राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेने के लिए आए थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड एट वाराणसी, सॉरी इसका वाराणसी में नहीं, इसका लखनऊ हो जाएगा, तो उसी के आसपास है लखनऊ वाराणसी, तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड एट लखनऊ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ, इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन, जो राजकुमार शुक्ला है वो एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन लखनऊ क्यों आए थे, तो टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, ये कंप्लेन करने के लिए आए थे इनजस्टिस जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, इनजस्टिस लैंडलॉर्ड सिस्टम था बिहार में, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ला लखनऊ के एनुअल सेशन में आए थे, पार्टी सेशन में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी, तो मिस्टर शुक्ला गांधी जी से क्यों मिले थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू सीक हीज हेल्प फॉर पुअर शेयर क्रोपर, मतलब पुअर शेयर क्रोपर की मदद के लिए उन्होंने गांधी जी से मिले थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू सीक हीज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई चंपारण फेमस, चंपारण फेमस क्यों था, फॉर फाइटिंग या फॉर इंडिगो, बिकॉज गांधी जी विजिट, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चंपारण फेमस इसलिए था क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था 1917 में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाई सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च इन चंपारण, चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च क्यों हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फॉर द अफ्लिमेंट ऑफ द फार्मर। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट, कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था चंपारण में, जो पुअर फार्मर का उत्थान के लिए, अफ्लिमेंट मतलब उत्थान होता, मतलब उनके अच्छे के लिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज चंपारण, चंपारण कहाँ है, तो चंपारण बिहार में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीसेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को पीसेंट क्या पे करते थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, 50% लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो फॉरेस्ट, आपको बताया थे कि जो ब्रिटिश जो पीसेंट का क्या कंडीशन था वहाँ, तो क्या कंडीशन था कि 15% लैंड में उनको इंडिगो हार्वेस्ट करना पड़ता था, और वो पूरा 50% इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट या फिर एज अ टैक्स ब्रिटिश को देना पड़ता था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश वांट द पीसेंट टू पे कंपेंसेशन, जो ब्रिटिश थे वो क्यों, सॉरी व्हाई डिड ब्रिटिश वांट द पीसेंट टू पे कंपनसेशन, ब्रिटिश क्यों एज अ कंपनसेशन पे कर रहे थे, या क्या क्यों चाह रहे थे कंपनसेशन पे करना पीसेंट को,
27 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दे गेव 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एन इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गांधी जी जो डिमांड किए थे 50% रिफंड के लिए, बट उनको दिया गया था 25%, तो फिर गांधी जी वो एग्री क्यों कर गए थे? डिमांड किए थे 50% का, बट उनको मिला था 25%, बट फिर भी गांधी जी एग्री किए थे, तो इनका इसका वजह क्या था? तो बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर वाज इम्पॉर्टेंट। जो प्रेस्टीज है, जो लैंड प्रेस्टीज है, वो मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने वो एग्री किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर या लैंड लॉर्ड्स वाज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर सर इडमुंड इन द लेशन इंडिगो। ये जो सर इडमुंड है, ये इंडिगो लेशन में ये कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन सिविल सर्विस। जो सर इडमुंड थे इस लेशन इंडिगो में, ये एन एडमिनिस्ट्रेशन थे इंडियन सिविल सर्विस के, ब्रिटिश इंडिया के। वेयर वाज सर इडमुंड पोस्टेड? सर इडमुंड पोस्टेड कहाँ थे? तो एट बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रीड प्लेनिंग हिमसेल्फ गिल्टी। तो गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि वो गिल्टी हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ही वाज नॉट ए लॉ ब्रेकर एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशन सर्विस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ही वाज नॉट ए लॉ ब्रेकर, वो एक लॉ ब्रेकर नहीं, एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीसेंट प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस। जो पीसेंट थे, या सॉरी, व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट, गांधी जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे मोतिहारी के कोर्ट में? तो इसका 32 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसको पोस्टपोन करने के लिए, ट्रायल को पोस्टपोन करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट। गांधी जी क्यों मानते थे कि उन चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है उनके लाइफ में? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इट वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड। इसलिए वो मानते थे कि उनकी जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक और बहुत दूर तक उनकी आवाज़ फैल है, फार एंड वाइड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी। जो कस्तूरबा है वो महात्मा गांधी की वाइफ का नाम है, तो कस्तूरबा गांधी जी को कैसे हेल्प करते हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीननेस। तो आश्रम रूल्स और क्लीननेस के द्वारा कस्तूरबा गांधी हेल्प करते हैं महात्मा गांधी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट। तो मतलब उनकी जो क्या था, व्हाट एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉल लोकेलिटी। जो एवरेज इंडियन के स्मॉल लोकेलिटी में क्या एटीट्यूड था एडवोकेट के लिए, के प्रति, टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल। एडवोकेट मतलब यहाँ कोर्ट के ऑफिसर से रिलेटेड हो गए, वकील लॉयर से रिलेटेड हो गए। तो क्या एटीट्यूड था, वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट। बहुत डरते थे वहाँ के स्मॉल जो लोकेलिटीज़ के इंडियंस थे, वो एडवोकेट से बहुत डरते थे, वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एडवोकेट ऑफ होम रूल। जो एडवोकेट थे उनका पर्पस क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, टू इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पेशेंट इन चंपारण। चंपारण में पेशेंट का कंडीशन क्या था, हैप्पी था या इंडिफरेंट था या वेरी रिच था या ट्रैकन एक्सट्रेंट एंड ऑपरेस्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, टेरर स्ट्रेकेंट एंड ऑपरेस्ट। टेरर मतलब यहाँ डर से रिलेटेड होगी, ऑपरेस्ट मतलब जो दबाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड गांधी जी सेंट ए टेलीग्राम टू गांधी जी को। होम डिड गांधी जी सेंट ए टेलीग्राम टू, टेलीग्राम गांधी जी को किन्होंने भेजा था, गांधी जी को टेलीग्राम किसने भेजा था। तो 38 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर जे वी कृपलानी। प्रोफेसर जे वी कृपलानी ने गांधी जी को टेलीग्राम भेजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर टू डेज। गांधी जी टू डेज कहाँ रहे थे या कहाँ स्टे किए थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। प्रोफेसर थे मलकानीज हाउस, मतलब एक प्रोफेसर है मलकानीज, उनके हाउस में वो दो दिन रुके थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाई वाज गवर्नमेंट वेफ्रेड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय पेशेंट। वेफ्रेड मतलब यहाँ डर या डर से रिलेटेड वर्ड है उस। तो गवर्नमेंट वहाँ क्यों डर रहे थे, व्हाई वाज गवर्नमेंट वेफ्रेड या हिचकिचाना या जो भी हो गया, तो किस लिए, बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय पेशेंट। सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेस हुआ था पेशेंट के द्वारा, इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट थोड़ा सा हकला गए थे या फिर डरे थे थोड़े सा। तो इस चैप्टर में जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी, आपको हिस्ट्री में भी ये चीज़ आपको पढ़ना है इतिहास में, तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है MCQ, इससे ज़रूर एक से दो क्वेश्चन ज़रूर इससे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ये 40 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज ये वीडियो, अगर आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में डालिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसको सॉल्यूशन कर पाएँ। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर और इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी का प्लेलिस्ट है चैनल में, आप जाके देख सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश का सारा इससे पहले इसके बाद और दो ही चैप्टर सिर्फ बाकी है। एक ही चैप्टर बाकी है, सारा हो गया, सिर्फ एक या दो चैप्टर बाकी है MCQ सीरीज़ का, इंग्लिश का। बाकी सारा चैप्टर का MCQ अपलोड कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट है, अगर आप नहीं देखे हैं तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, उसका इंग्लिश का टोटल जितना भी MCQ का प्लेलिस्ट है। तो वीडियो समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।